सबको जय मसीह की। फिर से टुडेज इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति के बारे में जानेंगे, उसके इंटरव्यू के बारे में, जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर टेड्रोस। वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम मतलब इस कोरोना वायरस के टाइम पर हमें मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, कोरोना वायरस को मिटा नहीं पा रहे, वैक्सीन ढूंढ नहीं पा रहे, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इवन नॉट क्लोज, हम उसके आसपास भी नहीं है कि ठीक कर पाएं, बहुत दूर है, उसके साथ ही चलना पड़ेगा क्या, ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। ये कहाँ लेके जाएगा, ये न्यूज़ जो अभी मैं बताऊंगा वो चिप तक लेके जाएगा, वो कैसे, वो देखते रहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ जनरल जो टेड्रोस है, उन्होंने कहा कि जो विंटर सीजन आने वाला है, सर्दियाँ आने वाली है, अमेरिका जैसे जो सर्दी जहाँ सर्दियाँ ज़्यादा होती है उस कंट्री में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि सर्दियों में ये वायरस ज़्यादा बढ़ेगा और प्रॉब्लम और बढ़ते जाएगा, क्योंकि हमारे पास दवाई भी नहीं है, वैक्सीन नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन बताते हैं। इन बातों को आपने सुना भी होगा, न्यूज़ में देखा भी होगा, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही हम देखने जा रहे हैं। टेड्रोस ने कहा वी रीच 10 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ लोगों को ये क्या कर दिया, इस बीमारी ने घेर लिया, मतलब इतने लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 1 करोड़ लोग। अब लेकिन वो और ज़्यादा बढ़ेगा, स्प्रेडअप होगा, एक वायरल की तरह बढ़ता जाएगा, रोकना मुश्किल है जब तक दवाई ना ढूंढ पाए। और आने वाले जो 3 महीने हैं, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, उसके बाद दिसंबर, और भी परेशानियां बढ़ेंगी और बढ़ेगा ये। तो WHO के चीफ टेड्रोस ने कहा इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या है, एक ट्रैकिंग सिस्टम की तरह है, जैसे अभी इंडिया में भी देखा होगा आपने, आरोग्य सेतु ऐप है जिससे यहाँ पता लगता है कि कितने लोग इन्फेक्टेड है, आसपास कौन कौन है जिसको कोरोना वायरस हो रखा है, ऐसे चेक करने का ऐप है। लेकिन वो गूगल की तरफ से ऑफिशियली आएगा पूरी दुनिया के लिए, जो एक ट्रैकिंग सिस्टम होगा। वो क्या करेगा, वो भी ऐसे ही पता करेगा कि आसपास कौन है। वो उन्होंने कहा कि टेड्रोस ने कहा कि ये आखिर एक व्यक्ति तक, कि आखिर में एक व्यक्ति भी ना बच जाए जिसको कोरोना वायरस हो, ये पता लगा ले। ठीक है, हमारे लिए ठीक है, न्यूज़ सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो भी सिस्टम है वो सही है, लेकिन वैक्सीन कहाँ है, दवाई कहाँ है, बिना मेडिसिन के ठीक कैसे होगा। मान ले पता भी कर लिया हमने आसपास कौन है, हमारे आसपास ये इन्फेक्टेड हो, वो इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन पता करके करेंगे क्या, कहीं और ले जाएंगे, नहीं। पहले तो वैक्सीन ढूंढना चाहिए ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वैक्सीन ढूंढना, पहले उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, ट्रैकिंग सिस्टम की ओर ध्यान दे रहे हैं। आप ये कह सकते हो लोग ठीक भी तो हो रहे हैं, क्योर भी हो रहे हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कितने लोग मर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर वैक्सीन नहीं है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। कई देशों ने कहा था, क्यूबा जैसे देशों ने, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ने भी कहा था कि हमने वैक्सीन ढूंढ लिया, लेकिन क्या वो ऑफिशियली बाहर आया, नहीं ऑफिशियली बाहर नहीं आया, इस क्योंकि ढूंढ नहीं पाए वैक्सीन को। अब आएंगे हम मेन पॉइंट पे दोस्तों, ये ट्रैकिंग सिस्टम जो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ये कहाँ लेके जाएगा, ID 2020 जो बिल गेट्स ने कहा। ID 2020 क्या है, एक चिप है, कह रहे हैं अभी हाथ में लगाएंगे, उसके थ्रू पता करेंगे। तो कहाँ लेके जा रहा है, चिप की ओर लेके जा रहा है। तो ये चिप क्या करेगा, जिसको जितने भी लोग मोबाइल मोबाइल होंगे तो ये उसमें पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने चिप लगाया है, कितने लोगों ने चिप नहीं लगाया, इसे ट्रैक करके पूरे मतलब दुनिया को एक ट्रैकिंग सिस्टम में लेकर आएंगे और पता करेंगे कि किसने लगाया किसने नहीं लगाया। ये ट्रैकिंग सिस्टम करने की बजाय अगर हमारे लिए वैक्सीन ढूंढते तो ज़्यादा अच्छा होता, एक राहत मिलती, हाँ वैक्सीन मिल गया ठीक हो गया, इस सिस्टम की जरूरत भी ना पड़ती। अभी हमने एक न्यूज़ सुना है कि जो ICMR है, भारत बायोटेक, उन्होंने कोवैक्सीन निकाल लिया है जो कोरोना वायरस को मिटाएगा। ICMR इस कोवैक्सीन में जो एनिमल के ऊपर टेस्ट किया वो उसमें सक्सेसफुल हो गए, कामयाब हो गए। अब इसको इंसान के ऊपर ट्राई करेंगे, लेकिन अगर ट्राई अगर कामयाब रहे तो 15 अगस्त तब लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसान के ऊपर कामयाब नहीं रहे तो नहीं आएगा। मैं भी यही चाहता हूँ, हम भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका क्या वैक्सीन निकले, ये कोरोना वायरस खत्म हो, लोग बाहर निकले पहले की तरह, लेकिन क्या होगा ये आगे देखेंगे। इटली के प्रधान, कई मुखिया मतलब कई देशों के मुख्य लोग जो लीडर होते हैं, उन्होंने भी यही कहा कि मतलब इटली के मेन जो है, उन्होंने कहा अब हम हार मानते हैं कोरोना वायरस से, कि हमसे हो नहीं पा रहा, बस भगवान ही हमें बचाएंगे। कई लोग भी यही कह रहे हैं कि परमेश्वर की ओर मतलब भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब हम भगवान ही बचा सकता है, कुछ भी होगा वो भगवान ही कर सकता है। हमें भी क्या करना है दोस्तों, हमें वैक्सीन की ओर ध्यान नहीं देना कि वैक्सीन क्या कब आएगा, कब ठीक होंगे कोरोना से, कब बाहर जाएंगे, नहीं, हमें परमेश्वर की ओर देखना है कि परमेश्वर ही इस विपत्ति से, इस बीमारी से, इस वायरस से हमें बचाए, कि वही एकमात्र रास्ता है। परमेश्वर कहते हैं यदि मेरी प्रजा, मेरे लोग अपने आप को दीन करके, हम्बल करके प्रार्थना करते हैं, यह मेरे दर्शन के खोजी हैं, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा, हील देयर लैंड,
यही परमेश्वर कहते हैं। तो परमेश्वर ही हमारे एकमात्र मार्ग है, उन्हीं की ओर आशा रखनी है, उन्हीं को देखना है, और कोई नहीं है, हमें वही बचा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नीचे मत भूलना, और इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह की।